जैसे जैसे परिणाम का समय आता है तो कुछ तनाव होने लगता है, और कुछ बच्चे आप सबको मालूम है कि कुछ एक्सट्रीम कदम भी, कुछ सुसाइड जैसे कदम भी कुछ बच्चे उठा लेते हैं, ऐसा भी विभिन्न समाचारों से पता चलता है। तो इसमें हमारे मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक और करियर काउंसिलर्स ये उपस्थित रहते हैं। तो मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक जो है बच्चों में जो परीक्षा परिणाम के पहले और परीक्षा परिणाम के बाद भी जो अनावश्यक तनाव होता है, अवसाद होता है, उसके संबंध में उनकी समस्याओं का निराकरण करते हैं, कैसे इससे दूर रहा जाए इसके संबंध में उनको सलाह देते हैं। कुछ बच्चे 10वीं और 12वीं के बाद करियर कैसा होना चाहिए इसके संबंध में भी प्रश्न करते हैं, तो उसके लिए हमारे करियर काउंसिलर रहते हैं। वो बताते हैं कि हमारे पास तो हजारों करियर हैं, हम लोग केवल ट्रेडिशनल कोर्सेज जानते हैं, BSc, BA, BCom या इंजीनियरिंग मेडिकल, उसके अलावा भी हमारे पास सैकड़ों हजारों कोर्सेज हैं, करियर के चांसेस हैं, उसके संबंध में भी इसमें बताया जाता है। और इसमें कुछ बच्चे तनाव का अलग अलग लेवल रहता है, हमने देखा कुछ बच्चे जो पास होने के दृष्टिकोण से ही पढ़ते हैं उनको फेल हो जाते हैं या कुछ नंबरों से चूक जाते हैं, उसका तनाव होता है। कुछ बच्चे फर्स्ट डिवीजन से कुछ नंबर से चूक जाते हैं, एक या दो नंबर से, उसका भी उनको तनाव होता है। और कुछ बच्चे मेरिट में आने वाले मेरिट में चूक जाते हैं 2-4-5 नंबर से, तो उसका तनाव रहता है। लेकिन एक चीज़ जो देखने से आई, सबका तनाव का लेवल एक जैसा है, एक जो पास नहीं हो पाया और दूसरा मेरिट में नहीं आ पाया, दोनों का तनाव का लेवल एक जैसा है। कुछ बच्चों ने पूछा मैं फेल हो गया हूँ, कुछ इसमें हो सकता है क्या, मेरे लिए कुछ इसमें मदद आप लोग करवा सकते हैं क्या, तो उसको बताया गया आपकी मदद आप ही कर सकते हैं, हम लोग काउंसिलिंग यहाँ पर करते हैं, हमारे सहायक प्राध्यापक भी बैठते हैं। मंडल के द्वारा हेल्पलाइन कार्यक्रम जो है ये परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व भी चलाया जाता है और परीक्षा परिणामों की घोषणा के दौरान भी चलाया जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि बच्चे जो हैं वो अगर उनके परीक्षा परिणाम उनके आशा अनुरूप नहीं आते तो उनको किस तरीके से उनका संबल बढ़ाया जाए और उनके परिवार के लोगों को भी उन परीक्षा परिणामों का एक्सेप्टेंस लेने के लिए सुझाव दिया जाए, इसको लेकर। दूसरा ये कि जिन बच्चों को परीक्षा परिणाम आने के बाद कैरियर चुनाव में, मतलब किस सब्जेक्ट को हम चयन करें, इस सब्जेक्ट से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, उसके बारे में जानकारी यहाँ से उनको दी जाती है। ये माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा चलाया जा रहा बहुत अच्छा प्रोग्राम, एक प्रोजेक्ट है, मैं तो ये कहूँगी कि ड्यूरिंग द प्रोसेस अभी काउंसलिंग के दौरान मुझे बहुत सारे ऐसे कॉल्स आए जहाँ पर बच्चे खुद भी स्ट्रेस में हैं एंड फैमिली प्रेशर के कारण, वो फैमिली का प्रेशर, परिवार अपने स्कूल पीयर ग्रुप का प्रेशर बच्चे झेल नहीं पा रहे, तो वो कहीं ना कहीं अपने दोस्तों के साथ कंपेयर अपने आप को करते हैं। और ये एक माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा चलाया जा रहा बहुत अच्छा मुहिम है जिसमें बच्चे खुद कॉल करते हैं, और क्योंकि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ तो मैं उस टाइम समझ सकती हूँ कि बच्चे के मन में अभी कितना स्ट्रेस, वो अपने आप को प्रेशर में फील कर रहा है।